नमस्कार दोस्तों, प्रीमियम प्रो के इस क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। इस क्लास में हम देखने वाले हैं कैसे हम हमारे वीडियो एक्सपोर्ट के समय हम हमारे वीडियो के फाइल के साइज को क्वालिटी मेंटेन करते हुए कैसे हम 50% या इससे भी ज्यादा कम कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये भी देखने वाले कौन सी पैरामीटर को चेंज करके हम हमारे फाइल के साइज को कम कर सकते हैं और क्या स्टैंडर्ड वैल्यू होना चाहिए, ये भी हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट रहेगा आप वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखें और हमारे इस चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। यहाँ पे मैंने टाइमलाइन पे एक वीडियो को एडिट किया है। अगर हमें इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है तो हम कंट्रोल प्लस एम बटन प्रेस करेंगे तो हम जो एक्सपोर्ट सेटिंग का जो डायलॉग बॉक्स है हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, नीचे देखेंगे जो हमारा एस्टिमेटेड फाइल साइज है वो है 1007 MB। अगर हमें इस फाइल के साइज को यहाँ पे कम करना है तो हमें कुछ सेटिंग यहाँ पे करना है। तो देख लेते हैं कौन सा सेटिंग हमें यहाँ पे चेंज करना है। सबसे पहला ऑप्शन जो है फॉर्मेट में हमें बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे H.264 को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि H.264 जो है लोअर फाइल साइज को क्रिएट करता है और क्वालिटी को भी ये मेंटेन करता है। तो यहाँ पे हमें H.264 को सिलेक्ट कर लिया है। प्रीसेट में हमें बहुत सारे प्रीसेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप प्रीसेट को यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे हमारे फाइल साइज़ को कम करना है तो हमें कस्टम करना है। तो हम यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करेंगे। क्लिक नहीं भी करेंगे तो बाद में जब वैल्यू चेंज करेंगे ऑटोमेटिक कस्टम पे आ जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है। हम थोड़ा नीचे आते हैं, हम वीडियो में जाएंगे। वीडियो में देखेंगे फ्रेम रेट जो है 29.97 है। अगर हमें इसको चेंज करना है तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हम बाद में आगे बात करेंगे किस तरह से हमें फ्रेम रेट को रखना है। अगर हमें यहाँ पे फ्रेम रेट को चेंज करना है जैसे 30 करना है, जैसे हम 30 करेंगे तो यहाँ पे प्रीसेट में कस्टम आ जाएगा। तो हम और थोड़ा नीचे आएंगे, बाकी कोई भी वैल्यू को यहाँ पे चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। थोड़ा और नीचे आएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे हमें हमारे जो बीट रेट सेटिंग है उस वैल्यू को हमें मॉडिफाई करना है। बीट रेट सेटिंग, यह है बीट रेट सेटिंग। यहाँ पे हमें बीट रेट एनकोडिंग के अंदर हमें तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहला ऑप्शन जो है CBR, सेकेंड ऑप्शन जो है VBR 1 pass और VBR 2 pass। अगर हम VBR 2 pass को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ वीडियो का जो क्वालिटी है थोड़ा बढ़ जाएगा और इससे थोड़ा ऊपर आएंगे तो थोड़ा वीडियो का क्वालिटी कम होगा, और CBR को सिलेक्ट करेंगे तो थोड़ा और यहाँ पे हमें वीडियो का क्वालिटी कम मिलेगा। CBR को सिलेक्ट करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे टारगेट जो बीट रेट है MBPS में हमें वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम टारगेट बीट रेट के बारे में बात करें तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 10 से 20 होता है। वो भी डिपेंड करता है कि आपका जो FPS है कितना है। अगर आपका 30 FPS का वीडियो है, जैसे कि हमने ऊपर 30 FPS सिलेक्ट किया था, तो हम यहाँ पे बीट रेट को 5 to 6 रख सकते हैं। अगर हमें हमारी वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा अच्छा रखना है तो हम यहाँ पे VBR 2 pass को सिलेक्ट करते हैं। सेट करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे दो ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा, टारगेट बीट रेट MBPS में और मैक्सिमम बीट रेट MBPS में है। दोनों वैल्यू हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने बात किया था, अगर हमारा जो FPS है अगर 30 FPS है तो हम इसको 5 to 6 रख सकते हैं। अगर 60 FPS है तो हम इसको 10 से शुरू कर सकते हैं, लेकिन 10 से शुरू करने में क्या होगा, हमारा फाइल साइज यहाँ पे कम नहीं होगा। हमें हमारे जो टारगेट बीट रेट है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। मीन्स लेफ्ट में जाएंगे तो हमारा फाइल साइज जो यहाँ पे कम हो जाएगा, अगर हम राइट में आएंगे तो हमारा फाइल साइज जो है और बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे 10 की जगह पे थोड़ा कम कर देते हैं, इसको हम 8 कर देते हैं। 8 करने के बाद हम चेक करेंगे हमारा फाइल का साइज जो बना है वो हमारे लिए सफिशियंट है या नहीं है। तो आप थोड़ा यहाँ पे और भी कम कर सकते हो, 6 से नीचे आप मत जाना। और ये जो टारगेट मैक्सिमम बीट रेट है वो क्या होना चाहिए, जो भी हम यहाँ पे सेट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 8 सेट किया है तो इसके ठीक डबल हम यहाँ पे सेट कर देंगे, 16 यहाँ पे कर देंगे। अगर हम स्टैंडर्ड बीट रेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम देख पाएंगे HDR अपलोड्स और HDR अपलोड्स के लिए अलग अलग बीट रेट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर हम HDR अपलोड्स के बारे में बात करें, अगर हम 4K वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें जो स्टैंडर्ड फ्रेम रेट के हिसाब से जो बीट रेट रखना है वो है 44 से लेके 56 MBPS तक बीट रेट हम रख सकते हैं। अगर हमें हाई फ्रेम रेट में जाना है तो हमें 66 से 85 MBPS बीट रेट को रखना है। अगर हम ऐसे ही थोड़ा नीचे आएंगे तो हम अलग अलग टाइप के हिसाब से हम हमारे स्टैंडर्ड फ्रेम रेट और हाई फ्रेम रेट के हिसाब से बीट रेट को यहाँ पे डिसाइड
कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारा टारगेट बीट रेट और मैक्सिमम बीट रेट को सेट कर दिया है और हमारा फाइल साइज जो यहाँ पे 8 MB हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा फाइल साइज और थोड़ा कम हो तो हम इसको थोड़ा और कम कर देंगे। हम 6 तक जाएंगे, 6 पे क्लिक करेंगे और इस वैल्यू को हम यहाँ पे 12 कर देंगे। तो देखेंगे हमारा जो फाइल साइज पहले 1007 था, ये कम होकर 616 MB हो गया, लगभग 50% यहाँ पे कम हो चुका है। हम 5 भी कर सकते हैं लेकिन 5 के नीचे जाना नहीं है। तो हम हमारे फाइल के साइज को बहुत ही आसानी से बीट रेट की सेटिंग को, बीट रेट जो टारगेट बीट रेट है और मैक्सिमम बीट रेट को चेंज करके हम हमारे फाइल के साइज को कम कर सकते हैं। लेकिन हमारा वीडियो का जो क्वालिटी है यहाँ पे कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो ये वैल्यू चेंज करने के बाद जब हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 616 MBPS का एक फाइल बन के हमारे सामने आ जाएगा और हम बहुत ही आसानी से इस फाइल को कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आने वाले वीडियो के अंदर हम प्रीमियम प्रो के अलग अलग कमेंट्स के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। अगर आप आज इस चैनल के अंदर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर देना, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको आने वाले समय पे भी इस चैनल के अंदर मिलता रहेगा। देखते रहिए डिजिटल एक्सप्रेस।